टुकना साहू नमस्ते। नमस्ते टुकना जी, कहाँ से हो आप? उड़ीसा? आपने उड़ीसा का हूँ। उड़ीसा में कहाँ से? संध्या घोड़ा। जय जगन्नाथ। हाँ जय जगन्नाथ। अच्छा टुकना जी बताइए, कितने समय से गुजरात में हैं आप? वहाँ पे साइन में 12 साल में वहाँ पे रहता हूँ। अभी काम रून काम करता हूँ, कपड़ा रून। राशन कार्ड में है वहाँ, गांव का राशन कार्ड वहाँ पे 6 महीने से वहाँ पे मिल रहा है, और उजाला गैस भी मिल रहा है, पानी भी तकलीफ नहीं है, पानी का भी बराबर है, परिवार साथ में अभी थोड़ा बराबर शांति से चल रहा है। अभी खाना में भी है ना गांव पे, वहाँ पे मिल रहा नहीं था, वहाँ पे अभी मिल रहा है। तो थोड़ा जो दुकान से जितना महंगा हुआ था, अभी वहाँ पे थोड़ा सस्ता में मिल रहा है, तो परिवार थोड़ा शांति से चल रहा है। अच्छा साहू जी, आप तो उड़ीसा तो कभी कभी बीच में जाते होंगे, तो वहां पर यहाँ क्या योजनाएं चल रही हैं, कैसा काम चल रहा है वहाँ, गांव वालों को बताते हैं क्या वहाँ? वहाँ पे मिलता भी गांव पे बोलता है, वहाँ पे मिलता है, और जब भी गांव में जाएगा तभी भी वहाँ पे भी मिलता है। मिलता है, सबको मालूम है कि दिल्ली सरकार इतनी चिंता करती है। वहाँ पे मिलता है, अभी गैस और उजाला गैस भी मिला, और चावल भी वहाँ पे मिलता है, गांव में मिलता है। अच्छा ये वन नेशन वन राशन कार्ड वाली बात है, तो कभी उड़ीसा जाते हैं तो वहां भी उस कार्ड का उपयोग होता है? उड़ीसा उड़ीसा में भी मिलता है, वहां पे जहाँ जहाँ जाता भी वो भी वहां मिलता है। अभी अच्छा वहां आया तो 6 महीने से मिल रहा है तुम्हारा तरफ से। अच्छा आपके परिवार में कौन कौन है साहू जी? बात, 2 बच्चा बीवी जो साथ में रहता था। तो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर गुजराती भाषा में? बच्चा बच्चा पढ़ता है, जेएम स्कूल में पढ़ता है गुजराती सीख गए सब? ना, हिंदी उड़ीसा। अच्छा चलिए साहू जी, आपको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। ये वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना के कारण खास करके हमारे मजदूरी करने के लिए लोग जो बाहर जाते हैं उनको बहुत लाभ होता है। पहले उनको बेचारे को अपने घर से जाते थे तो वहां बहुत दिक्कत होती थी, अब ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये सारी व्यवस्था की, इसके कारण बहुत लाभ हुआ है। और मेरी तो कोशिश हमेशा है कि देश के पिछड़े लोग हो, वंचित हो, दलित हो, हमारे वनवासी भाई हो, आदिवासी भाई हो, हमारी माताएं बहनें हो, सामान्य वर्ग के लोग हो, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, शहर के गरीब हो, उस राज्य के हो या दूसरे राज्य से आए हो, हर एक का सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा मिले, कोई बिचौलिया ना हो और वो सम्मान पूर्वक जिए और उसके मन में विश्वास हो कि मुझे गरीब नहीं रहना है, मैं गरीबी को परास्त करके रहूंगा, उसके लिए सारे हथियार देने का काम सरकार कर रही है। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।